आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद, आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जंग टलने के आसार, यूक्रेन के पास तैनात ठिकानों से लौटने लगे रूसी सैनिक, जर्मनी से बातचीत के बाद लिया गया फैसला। कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका, पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने दिया इस्तीफा, सोनिया गांधी को भेजा त्याग पत्र। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव हुए दोषी करार, स्कूटर से ढोए गए थे गाय सांड, सीबीआई भी हो गई थी हैरान। मुंबई में डी कंपनी से जुड़े ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन, दाऊद की बहन के घर पर भी की गई छापेमारी। कोरोना के मामले में लगातार आ रही गिरावट, बीते 24 घंटों में मिले 30,000 से भी कम केस। फिर बदलने जा रहा मौसम का मिजाज, उत्तर पश्चिम व मध्य भारत में बढ़ेगा रात का तापमान। कांग्रेस पार्टी के नेता जमीर अहमद ने अपनी टिप्पणी पर मांगी माफी, कहा था हिजाब न पहनने से लड़कियों का होता है दुष्कर्म। सामने आया बच्चन पांडे से अक्षय कुमार का लुक, 18 फरवरी को होगा ट्रेलर रिलीज। उपग्रह से आई थी तस्वीरों में दिखी जंग की आहट, बेलारूस क्रीमिया में रूसी लड़ाकू विमान हुए थे तैनात। यस बैंक मामले में सीबीआई ने मुंबई पुणे में मारा छापा, रेडियस डेवलपर्स के ठिकानों पर चलाया तलाशी अभियान। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाई शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। रूस यूक्रेन तनाव के चलते सोना हुआ 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी की कीमत पहुंची आसमान पर। पूर्वांचल में अपनों के द्वारा हुई सपा की घेराबंदी, टिकट वितरण में देरी और टिकटों की अदला बदली से हुई तकरार। मेरठ में लगा कोयले पर प्रतिबंध, पीएनजी में बदलनी होंगी 550 फैक्ट्रियां, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जारी किया आदेश। हिजाब विवाद मामले में आया नया मोड़, हाई कोर्ट से 3 मार्च के बाद सुनवाई की अपील। ओम प्रकाश राजभर ने लगाया बड़ा आरोप, बोले मेरी हत्या कराना चाहते हैं योगी, चुनाव आयोग से उठाई सुरक्षा की मांग। शेयर बाजार में आया भारी उछाल, सेंसेक्स में 1,500 अंकों की बढ़त, निफ्टी में 400 अंकों की रही तेजी। पंजाब में अकाली दल और बसपा ने जारी किया घोषणा पत्र, 1,00,000 सरकारी नौकरी देने का किया वादा। वोटिंग से पहले नूर महल डेरा पहुंचे पंजाब के सीएम चन्नी, शुरू किया सभी डेरों को साधने का दांव। गुरुग्राम में विदेशी महिला ने टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से किया हमला, ड्राइवर को सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। विराट कोहली पर उठे सवाल का रोहित शर्मा ने दिया जवाब, बोले आप शांत रहें तो सब ठीक होगा। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन।